प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हालेलुया, आइए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से सीखेंगे। हालेलुया, कि यीशु मसीह के आने से और उसके नाम पे विश्वास करने वालों को क्या चीज़ें मिली है। हालेलुया, यीशु मसीह के आने से और उनको उन पे जो विश्वास करता है उन लोगों को यीशु मसीह ने क्या दिए हैं। हालेलुया, और लोगों ने यीशु मसीह में आ जाने से नए लोग जैसे आते हैं और उन लोग समझ नहीं पाते हैं प्रभु को। हालेलुया, उनकी सामर्थ को, उनकी अनुग्रह को, उनकी सामर्थ को। हालेलुया, उनको बस चाहिए थी कि बस हमें चंगाई मिल जाए, हम जिस समस्या में हैं हमें उस समस्या से छुटकारा मिल जाए हमारे एक बार आने से, दोबारा आने से। हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह ने पाप से मुक्त किए हैं, हमें नरक जाने से मुक्त किए हैं। हालेलुया, लेकिन मानव जब आता है परमेश्वर के सामने, उसकी आराधना में, उसकी भवन में, उसकी चर्च में, तो वो सोचता है कि मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, हम गरीब हैं हम अमीर बन जाएं। हालेलुया, हमें यीशु नहीं चाहिए, ना ही हमें जीवन चाहिए। लोगों की इस बात की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत ये है कि जिस बीमारी में हम, जिस समस्या में, उसे छुटकारा पाएं और चंगाई पाएं और हम आनंदित रहें। हालेलुया, प्रभु से दूर रहें। हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु का वचन कहता है कि प्रभु को जब से हम जाने हैं तब से समझो कि हम सत्य का एक हमारे लिए रास्ता खुल गया है। हालेलुया, जब से हम यीशु को जाने हैं हमारे लिए सत्य का एक रास्ता खुल गया है, इस एक मार्ग खुल गया है जिस तक हमें पहुंचने के लिए यीशु ने मार्ग दिया। हालेलुया, आइए हम वचन से सीखेंगे कि यीशु ने हमें कौन सी चीज़ें दी हैं जो उन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, विश्वास करना और विश्वास से बोलना और विश्वास से देखना, ये दोनों में फर्क है। हालेलुया, लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तभी तो हम चर्च जाते हैं, तभी तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, लेकिन मसीह भाई बहन, विश्वास क्या होता है और विश्वास क्या चीज़ होता है, खुदा से मोहब्बत क्या होता है और खुदा से मोहब्बत करना क्या होता है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, उसने हमसे मोहब्बत किया, उसने हमसे मोहब्बत किया, अपने सारे सुख को, अपनी सारी सुंदरता को सब निछावर कर दिया हमारे ऊपर और आपके लिए। हालेलुया, वो हमसे प्यार करते हैं। और जब भी अगर जो हम प्यार करते हैं मसीह से, तो हम उनके बाद करते हैं। हालेलुया, आइए हम वचन से सीखेंगे कि मसीह हमारे लिए क्या दे करके गए हैं, कौन सी चीज़ें और कौन सा हथियार दे करके गए हैं जो हमें संसार कभी नहीं गिरा सकता, संसार हमें कभी नहीं मूर्ख बना सकता, और जो इस बात पर चलता है संसार हमें कभी नहीं नीचा दिखा सकता, क्योंकि वचन कहता है प्रभु का कि परमेश्वर ने हमें पोछ नहीं सर ठहराया है, परमेश्वर ने हमें नीचा नहीं, हमें ऊंचा होने के लिए चुने हैं। हालेलुया, मसीह भाई बहन, हमारे सोच और विचार पर डिपेंड करता है कि हम मसीह के वचन के अनुसार बोलते हैं या उनसे बाहर बोलते हैं। हालेलुया, मसीह का वचन कहता है जैसे मसीह, जैसे वो भाई, उसके नौकर बीमार था और अपने लोगों को भेजा कि जाओ मसीह को बुला लाओ कि हमारे लोग के लिए मसीह प्रार्थना करे, वो चंगे हो जाए। हालेलुया, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास था कि मसीह के प्रार्थना के द्वारा नहीं, मसीह के वचन के द्वारा, उनकी मुंह से जो आवाज़ें निकलेगी उसके द्वारा
हम चंगा हो जाएंगे, क्योंकि वो राजाओं का संतान है, वो प्रभु का पुत्र है। उसके वचन जो मुख से निकलेगा वो पवित्र और शुद्ध और अव्वल है। उसके मुख से वचन निकलते ही हम चंगाई प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति को विश्वास था कि प्रभु हम इस वर्ग नहीं कि आप मेरे घर पर चले या हमारे छत के तले चले। हालेलुया। तो मसीह भाई बहन, हमें परमेश्वर के जब भी सम्मुख जाए तो हम ये ना हम नम्रता से जाए और दीनता से जाए और प्रभु से प्रार्थना दीन होकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जो दीन होकर मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे। हालेलुया। निकालिए 10 लूका 10 का 19 10 का 19। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। मसीह भाई बहन, यीशु मसीह के लहू ने मुझे इतना कुदरत दिया है। हालेलुया। हमारे अंदर और मसीह भाई बहन के अंदर इतना करिश्मा दिए हैं, इतना हमें सामर्थ दिए हैं, अपना सब कुछ हमारे अंदर और आपके अंदर उड़ेल दिए हैं, छोड़ दिए हैं। हालेलुया। किसके पास ये चीज होगा? जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा। हालेलुया। देखो यीशु ने कहा कि देखो मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिए हैं और सारे सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और सारी शत्रु पर मैं तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु से या कोई दुनिया में टोना टमानी या कुछ भी करते हैं संसार वाले, हमारे लिए नहीं है मसीह भाई बहन, हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वचन कहता है कि मैं मर चुका, जब मैं बपतिस्मा लेता हूँ तो मैं मर जाता हूँ और मुझ में यीशु आ जाते हैं, मुझ में यीशु जिंदा हो जाते हैं। तो मेरे जो परमेश्वर का पुत्र हैं, जो परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, तो उनको जिसकी घास मैदान की घास की वैज्ञ और मैदान की फूल की वैज्ञ मनुष्य है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसे डरता है। हालेलुया। डरना है तो जीवित खुदा से डरो। हालेलुया। आइए हम नीचे वचन से देखेंगे। तो भी इसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। मसीह भाई बहन, जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है और हमारे अंदर एक कैमरा लगाया जाता है। हमारे अंदर होली स्पिरिट रहते हैं, उसी दिन से हमारे पास एंजल रहते हैं हमारी सेवा करने के लिए। जब हम यीशु के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा पानी में डुबकी से बाहर आते हैं। हालेलुया। तो हम संसार में हमें लोग तुच्छ समझेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तो जो हमसे प्यार करता है संसार वाला तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि हमसे नफरत किए हैं। इस बात से दुखित मत होना। हालेलुया। तो मसीह भाई बहन, संसार वाले हमसे नफरत करे, घिड़ा करे या कुछ भी करे, तो ये समझना कि खुदा हमसे प्यार करते हैं। हम ऐसे ही समझते हैं, हम अपने जीवन में ऐसे ही समझते हैं। हालेलुया। तो हम जीवन में आत्मिक क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अगर जो हमें कोई कुछ कह दिया, हम उसी के बात पर अड़े रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपराध दूसरों को क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम पर दया करेगा और क्षमा भी करेगा। हालेलुया। तो मसीह भाई बहन, हमें हमारे लिए मसीह सब कुछ किया और हमारे लिए सब कुछ सहा, तो हमें मसीह के अनुसार, उनकी चिन्ह और मार्गों के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि हमें हर एक जो हमारा मुख से निकलता है वो उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर कैमरा है, हमारे अंदर एक आत्मिक कैमरा लगा हुआ है। हालेलुया। हम ये समझे कि परमेश्वर स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं, उनको सुनाई नहीं देता, उनके दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर हमारे एक एक बातों का लेखा लेंगे, यीशु मसीह हमारा एक बात का लेखा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमसे इतना मोहब्बत किया और हम परमेश्वर को ना समझे, परमेश्वर हम नहीं समझ के छोड़ सकते हैं। हालेलुया। अगर जो छोड़ दे तो उसका जवाब देना पड़ेगा हमें। हालेलुया। मसीह भाई बहन, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, खुदा से दुआ करते हैं कि आपको परमेश्वर आशीष दे, पिता परमेश्वर आप पे दया करे और आपको बुद्धि दे और समझ दे, और हर एक शैतान की जो गलत भावनाओं में डालता है, मनों में डालता है, विचारों में डालता है और गंदी विचार मन में लाता है, वो शैतान को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम में और कमांड करता हूँ कि आपके जीवन से उखड़ जाए। हालेलुया। आई एम छोटी सी प्रार्थना करें और वचन हमारा यहीं से ख़त्म होता है, और यीशु के नाम से हम फिर अगले दिन मिलेंगे, यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम से। ये प्रभु का वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छी लगी होंगी तो आप जरूर कमेंट करना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र पवित्र हुआ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हैं कि जितने वचन भाई बहन ने सुना खुदा बंदे हुआ, सबको आशीषित कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए पिता, और इनको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि और समझ दीजिए पिता, ताकि इनकी मृत्यु के जीवन ना मिले, इन्हें जीवन का जीवन मिले जो आपने हमारे लिए अपने क्रूस पर बहाया पिताजी, वो हमें जीवन मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम में। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता, दयालु सामर्थ्य जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा, सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु जी, आपसे महान कोई नहीं, विश्वास है कि अपने विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुंदर से कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद 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 खुदा बंद यहोवा का कि प्रभु ने आप सबको छुआ और ब्लेस किया और आशीषित किया। मैं धन्यवाद करते हैं जीवित पिता की कि आप सबको छुआ आशीषित किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करते हैं, आमीन।